मन कही गुरतेज के साथ। पूरे घर में तनाव का माहौल बना हुआ था। कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता था। बहुत से प्रश्न इधर उधर बिखरे हुए थे। क्या हुआ है, कैसा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी को नहीं मिले थे। बड़ी सी आलीशान कोठी के ड्राइंग रूम में पसरा यह सन्नाटा सबको खाए जा रहा था। कैसी है वो, कोई फोन आया दोबारा, कुछ कोई प्रोग्रेस? रोहित ने अपनी वाइफ संगीता से पूछा। उसने नम आंखों से ना में सर हिला दिया। इस जवाब ने रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरों को और गहरा कर दिया। अब कौन है वहां? उसके चाचा हैं। दरअसल माधवी कल से अस्पताल में दाखिल है। कल दोपहर के वक्त रोहित के फोन पर स्कूल से कॉल आई। हेलो, रोहित जी बात कर रहे हैं आप, माधवी के पापा जी? प्लीज सर, जल्दी से जल्दी सिविल अस्पताल पहुंचिए। रोहित चौंक और घबरा गया। क्या मतलब, क्यों? जी वो माधवी ने आज स्कूल में सुसाइड करने की कोशिश की है, उसको सिविल अस्पताल में लेकर गए हैं। क्यों मतलब कैसे? इतना टाइम नहीं है सर, आप जल्दी पहुंचिए। ये सुनकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो उसकी बस अकेली औलाद है। उसने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न अब भी बाकी था। इतने में घर की डोरबेल बजी। माधवी की सहेली, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है एकता, वो आई थी। दोनों को टेंस देखकर पास आकर चुपचाप बैठ गई। उसके चेहरे पर भी चिंता थी, सवाल थे, और सवालों के साथ साथ कुछ जवाब भी थे। उसने बात शुरू की। अंकल, मैं अभी अस्पताल से आ रही हूं, अब वो कुछ ठीक है, नर्स दीदी ने बताया था। तनाव भरे माहौल में रिलैक्सेशंस की कुछ लहरें दौड़ गई थी। इतना बोलकर एकता चुप हो गई। संगीता ने उसे कहा, एक बात बताओ एकता, उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें कुछ पता है, कुछ शेयर किया हो उसने तुमसे? सडनली ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। एकता ने डरते हुए रोहित की तरफ देखा और फिर एकदम चुप हो गई। मुंह में आई बात को वहीं दबा दिया। रोहित ने प्यार से उसके पास बैठते उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा घबराओ मत, खुलकर बोलो। सडनली नहीं आंटी जी, धीरे धीरे। उसने इस कदम को उठाया है। मीन? हाँ हाँ आंटी जी, वो बहुत टेंस थी पिछले कुछ महीनों से, पर उसने तो कभी कुछ बताया नहीं कि वो। आपने उससे पूछा ही कब, आप उसके पास बैठे कब? रोहित और संगीता चुप हो गए थे। यहां एकता सही कह रही थी, क्योंकि वो दोनों दोस्तों के साथ कार्ड खेलने में, लेट नाइट पार्टीज करने में, किटी पार्टीज में बिजी रहने में ऑलवेज व्यस्त रहते थे। ये उन दोनों की पसंद थी। घर कब आएंगे कुछ मालूम नहीं। बेटा खाना फ्रीजर में रख दिया, गर्म करके खा लेना। इतना बोलकर दोनों माधवी को अकेला छोड़कर निकल जाते थे। जब वापस आते तो वो सोई होती थी। वो किसके साथ बात करे, वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करे, इसकी फिक्र दोनों ने नहीं की। किस मानसिकता से गुजर रही है वो, किस चीज की जरूरत है उसके, वो अब बड़ी हो रही थी, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे। जब उसको पेरेंट्स की जरूरत थी, दोनों में से उसके पास कोई एक भी नहीं था। कुछ दिनों पहले जब
वो पार्टी से लौटे तो रात के 2:45 बज गए थे। माधवी आज अभी तक जाग रही थी, कुछ टेंस थी वो। अभी तक सोई नहीं? मामा मैंने आपसे कुछ बात करनी है। नहीं बेटा अब नहीं, कल बात करेंगे। आई एम टू मच टायर्ड। लव यू बेटा, तुम सो जाओ लाइट बंद करके, अब कल सुबह स्कूल भी जाना है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। रोहित एकता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ बेटा, पर क्या तुम बताओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ? एकता ने एक झटके से बोला, प्यार अंकल, आपकी बेटी को एक लड़के से प्यार हुआ था। कुछ दिन पहले वाला इंसिडेंट संगीता के दिमाग में अब घूम गया था। ये लो आंटी जी, एकता ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये क्या? सुसाइड नोट, आपकी बेटी ने लिखा है। मुझे भी पता नहीं लगा कि ये कब उसने लिखकर मेरे बैग में डाल दिया था। रोहित ने कांपते हाथों से उसे पकड़कर पढ़ना शुरू किया। मम्मा, पापा, प्लीज मुझे माफ कर देना। जब तक आपको यह मिलेगा मैं काफी दूर जा चुकी होंगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आपसे दूर जाने का, पर क्या करूं, अब जाना पड़ेगा ना। अब तो बिजी हैं दोनों, आपके पास तो टाइम भी नहीं है मेरे लिए। कुछ बताना चाहती थी आपको पर बता नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, पता चल जाएगा आपको। आपने मुझे प्यार नहीं किया, फिर मेरी लाइफ में आदित्य आया जिसके साथ मैं खुश थी, पर उसने भी मुझे प्यार नहीं किया, बस प्यार का नाटक किया। वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने मेरा, मैं अब जा रही हूं, दिल नहीं कर रहा जाने का मम्मी पापा, और मैं खुद से और आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। लव यू पापा, लव यू मम्मा, अपना ख्याल रखना दोनों। अब तनाव और गहरा हो गया था। रोहित और संगीता खुद को खुद की नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रहे थे। खुद पर गुस्सा और शर्म भी आ रही थी। अपनी अकेली बेटी की हालत उन्होंने क्या कर दी? कभी उसको समझा भी नहीं, कभी उसके पास बैठकर बात तक नहीं की। बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी की ही नहीं, पेरेंट्स की भी जरूरत होती है, जो उन्होंने पूरी नहीं की। संगीता ने पूछा, ये आदित्य कौन? आंटी, उसका बॉयफ्रेंड। जब आप उसके पास नहीं थे तो उसने उसको चुन लिया अपनी बातों को सुनाने के लिए। वो आपके पीछे उसको मिलने घर भी आता था। एक दिन उसने माधवी का कपड़े चेंज करती का वीडियो बना लिया। बस वो उसको ब्लैकमेल करने लगा था इसी वीडियो के सहारे। वो आपसे ये बात शेयर करना चाहती थी पर रोहित और संगीता कुछ बोल ना सके क्योंकि यहां वो गलत थे। उसने मुझे भी बताया था पर मैं भी कुछ नहीं कर पाई। वो ना थोड़ा डरती थी कि आप उसको डांटोगे, पता नहीं क्या कहोगे, इसलिए उसने हार कर ये रास्ता चुना आंटी, सुसाइड का। रोहित के हाथ में पकड़ा सुसाइड लेटर उसको बहुत से सवाल कर रहा था, चाहे उसके पास अच्छा पैसा, गाड़ी, स्टेटस, सब कुछ है,
पर वो इतना गरीब है कि उसके पास टाइम नहीं है जो उसको अपनी बेटी को देना चाहिए था, वो नहीं दे पाया। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो दोनों हैं। दोनों ने कभी उसके पास बैठकर उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं। जो उनकी ड्यूटी है इसमें वो फेल हो गए थे। जिस उम्र में बच्चों को समझना और समझाना चाहिए, उनको अच्छे गलत का फर्क समझाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए था, उस टाइम वो एब्सेंट थे। वो बिजी थे पार्टीज में, घूमने में, बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करने में, दोस्तों के घर कार्ड खेलने में, जिसका नतीजा आज उनके सामने था। अपने बच्चों की बात समझिए, अपने बच्चों को समझिए, उनकी बात सुनिए और अपने पेरेंट्स के साथ हर बात शेयर कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, वरना बाद में आपके पास पछतावे के बिना अस्पताल से रोहित के भाई का फोन आया। हाँ रोहित भैया, माधवी को होश आ गया है, डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। ये बात सुनकर रोहित और संगीता और एकता को चैन की सांस आई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान जी का धन्यवाद किया। रोहित और संगीता ने मन ही मन में खुद से और माधवी से माफी मांगी। जल्दी से झट से माधवी को साथ देने के लिए अस्पताल चल पड़े थे, अपनी बिखर चुकी बेटी को संभालने। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।